हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रेसिपिएंट्स, इसका आपको सिनोनियम्स बताना है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, क्रिएटर्स, डोनर्स या फिर रिसीवर्स या फिर इंस्टिगेटर्स। तो इन चारों में आपको सिनोनियम्स बताना है। देखते हैं आपके कितने सही होते हैं। टोटल में 20 यहाँ पर सिनोनियम्स पूछता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा रिसीवर होगा, ठीक है। रेसिपिएंट्स का मतलब होता है रिसीवर्स, प्राप्तकर्ता, ठीक है। बाकी डोनर्स जो होता है जस्ट अपोजिट होता है रिसीवर का, क्रिएटर कोई बनाने वाले को बोलते हैं, और इंस्टिगेटर्स इन्वेंटर जो होते हैं, जो फाउंडर होते हैं, उनको बोला जाता है, ठीक है। 62 फ्रंटियर, यानी कि दूसरा क्वेश्चन जो है वो फ्रंटियर, इसका आपको सिनोनियम्स बताना है। एज होगा या लैंडमार्क होगा या फिर बाउंड्री या फिर कॉर्नर। फ्रंटियर का यहाँ पे सिनोनियम होता है बाउंड्री, ठीक है। और इसमें एज किनारे को बोला जाता है। लैंडमार्क जो होता है वो किसी सिग्नल या कोई मतलब नोन प्लेस होता है, उसको बोला जाता है, ठीक है। कॉर्नर तो कोनी को ही बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राउट, राउट का बताना है आपको सिनोनियम्स। डेथ होगा या डिफीट होगा या फिर लॉस या क्रैश। यहाँ राउट का मीनिंग होगा डिफीट, हारने से, किसी को हराना, राउट। ये नेक्स्ट जो है इररेप्रोचेबल, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। रिमार्केबल या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर फॉल्टलेस या इमेंस। इसकी स्पेलिंग भी साथ में आप याद रखना, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी आता है बहुत से पेपर में। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा फॉल्टलेस, फॉल्टलेस यानी कोई आइडियल कंडीशन में होता है, उसको हम बोलते हैं इररेप्रोचेबल। अब इसमें देखते हैं दो वर्ड्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, रिमार्केबल। तो ये एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं। रिमार्केबल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमेजिंग को बोला जाता है, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं, ठीक है। इमेंस मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, ह्यूज या वास्ट। नेक्स्ट है फेलिसिटी, फेलिसिटी को आप बताना है आपका। फेलिसिटी का सिनोनियम्स क्या हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी, ऑनेस्टी, ब्लिस या फिर सॉरो। तो फेलिसिटी का मीनिंग होगा यहाँ पर ब्लिस, ठीक है। हैप्पीनेस वाली कंडीशन को बोला जाता है फेलिसिटी, ठीक है। और एक सिनोनिम इसका होता है गेटी, GAIETY, गेटी। इसमें एक वर्ड है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी होता है कोई सक्सेसफुल कंडीशन या वेल्दी, जब आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो तो वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुडिशियस, यहाँ पे आपको इसका सिनोनिम्स बताना है। बायस्ड, सेंसिबल या फिर एग्जैक्ट या फिर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे जुडिशियस का जो सिनोनियम्स होगा वो होगा सेंसिबल या फिर वाइज बोल सकते हो आप। प्रोडेंट भी इसका एक सिनोनियम्स होता है, PRUDENT, प्रोडेंट। और इसमें एक वर्ड आया है बायस्ड, बायस्ड का जो होता है सिनोनियम पार्शियल को बोलते हैं, जब कोई पार्शियल करता है, पार्शियलिटी करता है, तो उसको बोला जाता है ये बहुत बायस्ड है, तो उसका मीनिंग होगा। फिर नेक्स्ट ट्रांसपायर्ड, ट्रांसपायर्ड का आपको सिनोनिम्स बताना है। वॉज कम्युनिकेटेड, वॉज डिस्कस, हैपेंड या कॉन्स्पायर्ड। तो यहाँ पे सिनोनिम्स होगा आपका ट्रांसपायर्ड का हैपेंड, कोई चीज़ होती है उसको हम ट्रांसपायर्ड बोलते हैं, इसका बर्थ देखेंगे तो ट्रांसपायर्ड का हैपेंड ही होगा, ठीक है। बाकी कॉन्स्पायर्ड एक कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र वाला, साजिश वाला जो नाउन होता है उसका, उसके लिए यूज़ होता है कॉन्स्पायर्ड वर्ब की तरह। अगला क्वेश्चन है ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट किसको बोला जाता है, फुलिस, अनयील्डिंग या अनरीजनेबल या फिर मिशीवियस। तो ऑब्स्टिनेट होगा यहाँ पे अनयील्डिंग, इसका एक सिनोनिम्स होता है स्टबर्न, ठीक है, स्टबर्न। ये काफ़ी आता है स्टबर्न, ठीक है। और बाकी अनरीजनेबल इसके लिए इनप्रॉपर या फिर अनुचित भी बोल सकते हैं इसको हम। मिशीवियस मतलब होता है आपका दुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्ड्री, सन्ड्री का सिनोनिम्स बताना है आपको। काउंटलेस, वेरियस, सर्टेन या सेवरल। तो यहाँ पे जो है सन्ड्री का मीनिंग होगा डाइवर्स, यानी कि वेरियस, ठीक है। बाकी काउंटलेस अनगिनत को बोलते हैं, काफ़ी क्लोज है, लेकिन इसका जो सन्ड्री का मीनिंग होता है विभिन्न होता है, डाइवर्स या फिर वेरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनियल, मीनियल का सिनोनिम्स बताना है आपको। लोली, टफ या डेंजरस या लो पेड। मीनियल जो कंडीशन होता है लोली के लिए यूज़ होता है,
बाकी टफ, डेंजरस, लो पेड यहाँ पे गलत है। इम्पीटियस, यहाँ पे आपको इम्पीटियस का बताना है सिनोनिम, फाइनेंशियल सपोर्ट या एक्सेलरेटेड ग्रोथ या रिटार्डेड ग्रोथ या ड्राइविंग फोर्स। तो इम्पीटियस का इसमें सिनोनिम्स क्या होगा? इम्पीटियस जब फाइनेंशियल सपोर्ट होता है तो उसको बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इम्पीटियस। इमुलेट, इमुलेट का आपको सिनोनिम बताना है प्रेज, फाइंड आउट, फॉलो या फिर एसेज। यहाँ पे आपका फॉलो जो है करेक्ट मीनिंग है इमुलेट का, फॉलो या फिर कॉपी या फिर सिमुलेट, ठीक है, इमुलेट का सिनोनिम्स है। इसमें एसेज जो यूज़ हुआ है ये डी वाला, इसका सिनोनिम्स देखेंगे हम तो एस्टिमेट कह सकते हैं। नेक्स्ट है बोस्ट, बोस्ट इसको बोस्ट बोलेंगे, इसका सिनोनिम्स बताना है आपको क्राई, अब्यूज, हेट या फिर ब्रैग। बोस्ट का मतलब होता है यहाँ पे ब्रैग, ब्रैगिंग समवन। नेक्स्ट मास मर्डर, मास मर्डर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ब्रदर मर्डर, मास मर्डर या फादर मर्डर। तो यहाँ पे मास मर्डर के लिए जो करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, पैट्रिसाइड, फ्रेटिसाइड या रेजिसाइड या फिर जेनोसाइड। तो करेक्ट आंसर इसका है जेनोसाइड। जेनोसाइड जब मास मर्डर होता है तो उसको बोला जाता है, और इसमें जो पैट्रिसाइड है वो जब कोई व्यक्ति अपने फादर की मृत्यु करता है तो पैट्रिसाइड है। इसको पास है तो पिता याद कर सकते हैं, पैट्रिसाइड होता है। और नेक्स्ट जो है फ्रेटिसाइड, कोई अपने सिबलिंग्स या भाई बहन को मारता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्रेटिसाइड। फिर है रेजिसाइड, रेजिसाइड जब कोई राज हत्या करता है, जैसे मान लो कोई मंत्री है अपने राजा को मार देता है तो उसको हम बोलते हैं मास रेजिसाइड, सॉरी। फिर है एग्जीक्यूशनर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी के परस्पेक्टिव से, काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जीक्यूशनर किसे बोला जाता है? एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, एक्सप्लोरर को या फिर एक्सपेरिमेंटर को या फिर वन हु इन्फ्लिस्ट कैपिटल पनिशमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। इसका अगर हम सिनोनिम्स देखेंगे डायरेक्ट वन वर्ड में तो हैंगमैन, जो क्या बोलते हैं जब फांसी लगती है जो लटकाता है तो उसको बोला जाता है एग्जीक्यूशनर। फिर है मेडन स्पीच, मेडन स्पीच यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है मेडन स्पीच का, फेयरवेल स्पीच, शॉर्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच, स्पीच अबाउट वुमेन। तो यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है मेडन स्पीच का, मेडन स्पीच बोलते हैं फर्स्ट स्पीच को। कभी आपने देखा होगा मेडन नेम आता है तो मेडन नेम मतलब फर्स्ट नेम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेयर, इंटरफेयर का मतलब आपको बताना है। इंटरफेयर के सिनोनिम्स दे रखे हैं मेडल, हेल्प, ऑब्जेक्ट, कॉपी। तो इंटरफेयर आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, कोई मतलब थर्ड पर्सन अगर कोई बाधा डाल देता है तो उसको बोलते हैं इंटरफेयर किया, कर दिया उसने, तो उसको भी हम एक एज ए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं थर्ड पर्सन, या फिर इंट्रूजन या फिर इंट्रूड, ठीक है, या फिर पॉक करना या फिर प्राई। तो यहाँ पे जो है वो सब नहीं दे रखा है, मेडल दे रखा है, तो ये भी एक सिनोनिम्स है इंटरफेयर का। नेक्स्ट है टीडियस, टीडियस का मीनिंग सिनोनिम्स बताना है टायरसम, डल, इंटरेस्टिंग या एक्साइटिंग। टीडियस होता है डल, कोई भद्दा, ठीक है, जो एक्साइटिंग ना हो, अनएक्साइटिंग बोल सकते हैं हम, तो वहाँ पे टीडियस यूज़ होगा। फिर है मैग्नीफिसेंट, मैग्नीफिसेंट काफ़ी यूज़ आता है, काफ़ी एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है। इसमें एक क्लोज स्पेलिंग वाला भी दे रखा है, मैग्नानिमस और मॉडेस्ट या जेनरस या फिर स्प्लेंडिड। तो मैग्नीफिसेंट जो होता है वो स्प्लेंडिड के लिए किया जाता है, जो बहुत शानदार चीज़ हो, ठीक है, वहाँ पर यूज़ होता है, तो इसका सिनोनिम्स होगा आपका स्प्लेंडिड। और इसमें एक वर्ड दे रखा है मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का कोई पुरानी चीज़ हो, ऑर्डिनरी चीज़ हो, उसको बोलते हैं हम मॉडेस्ट। और मैग्नानिमस जो है ये वाला फर्स्ट वाला, ये जेनरस चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जो इसमें सी जो है इसका आपका सिनोनिम्स हो सकता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन स्पिरिटेड, यहाँ पे आपको सिनोनिम्स बताना है हीटेड, ड्रंक या फिर एंथुसियास्टिक या फिर पजेसेस्ड। तो इन चारों में से आपका कौन सा होगा? तो इसका आंसर सी है, एंथुसियाज्म से बना ये एंथुसियास्टिक, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन थे अब तक, मैंने 4 क्विज बना दिए।